अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नए ब्लॉग के अंदर आप सबको खुश आमदेद। अल्लाह से उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से रहें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपके पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम तबलीगी इज्तिमा रायमेंट गए हुए थे और 3-4 दिन वहाँ ही मसरूफ़ रहे, मैं ब्लॉग भी नहीं बना सका और अपलोड भी नहीं कर सका। इसके लिए मैं माजरत भी चाहता हूँ। और मैं वहाँ जो है ना, वो प्रॉपर मेरा इरादा था कि मैं वहाँ व्लॉग बनाऊँ, लेकिन वहाँ मैं प्रॉपर जो है ना, वो व्लॉग नहीं बना सका। और लेकिन मैंने कुछ शॉट लिए हैं। मेरा दिल चाहा कि वहाँ का माहौल और माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत मंज़र, और मेरा दिल चाहा कि वो आपको भी मैं दिखाऊँ और वहाँ की वो रौनक और वहाँ का माहौल। ये मैंने शॉट लिए, इंशाल्लाह आगे इसको मुलाहिज़ा करें और इंशाल्लाह हकीकत के अंदर आपका दिल खुश होगा। अल्लाह ताला हमारा जाना कबूल करे। और माशाल्लाह मौसम बड़ा कमाल है आज, देखें ना मौसम माशाल्लाह, धूप नहीं है और जो है ना वो हल्की हल्की ऐसे सर्दी सी है। तो आगे ये आप पहले शॉट ले देख लें इंशाल्लाह, फिर आखिर में आपसे मिलते हैं। जी ये पंडाल के मनाजिर हैं, मेन जो पंडाल है जहाँ ये आगे दाएं बाएं आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ ये आराम भी करते हैं, यहाँ बैठ के बयान भी सुनते हैं। ये देखें माशाल्लाह लोग अपने बिस्तरों पर और अपनी जगहों पर बैठे हैं, और ऊपर जो है ना वो छत सी बनाई हुई है, तिरपाल अपनी लगाई हुई है। माशाल्लाह क्या ये खूबसूरत मनाजिर हैं। और ये जहाँ से हम चल रहे हैं ये दरमियानी रास्ता है। माशाल्लाह जी ये वज़ू के मनाजिर हैं, यहाँ नीचे वज़ू की जगह है, कोई वज़ू कर रहा है, कोई वज़ू की इंतज़ार कर रहा है। और कितना ही रश है आप देखें, वो दूर दूर तक लाइटें, वो सारा पंडाल है। ये जो वज़ू करने की जगह है, वैसे तो मस्जिदों में टूटियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ इस तरीके से जो है ना वो लोग वज़ू करते हैं। ये कुछ देखें वज़ू कर भी रहे हैं, और ये वज़ू के मनाजिर हैं। जी हम इस वक्त एक कैंटीन पे मौजूद हैं, ये कैंटीन है कुहाट कैंटीन, ये टेकी नंबर 1 है, उसके साथ ही ये कुहाट वालों की कैंटीन है। यहाँ से लोग कोई रोटी ले रहा है, कोई इंतज़ार कर रहा है। ये जी बाज़ार जाने के मनाजिर हैं, वो ये सामने गाड़ी लोड हो रही है, देसी गाड़ी पिटर से जो चलती है, और कोई रक्शों पर सफ़र कर रहा है और कोई पैदल जा रहा है। हम वहाँ थक गए थे इसलिए यहाँ थोड़ी देर बैठ के मैंने वो थकावट उतार रहे हैं। और जी बाज़ार बहुत दूर है, ये देखो लोग जो है ना वो कुछ तो रक्शों पर सफ़र कर रहे हैं, ये देखें, और कुछ जो है ना वो पैदल चल रहे हैं, और हम भी जो है वो पैदल सफ़र करने वालों में हैं। लेकिन बाज़ार बहुत दूर है और बहुत थकावट हो गई है। जी ये मनाजिर हैं जी, दुआ के बाद लोग जो है वो अपनी गाड़ियों की तरफ रवाना दवा हैं, लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। ये देखें कितना ही रश है, बहुत ज़्यादा रश है। ये अभी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा की जो आखिरी दुआ होती है वो ख़त्म हो चुकी है, और इसके बाद लोग जो है ना वो अपने गाड़ियों की तरफ और अपने मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। ये कुछ लोग सामने आप मस्जिद देख सकते हैं, कुछ लोग अपने सामान लोड कर रहे हैं, और किसी गाड़ी दूर खड़ी है, किसी करीब। ये बहुत बड़ी पार्किंग है, हज़ारों से के तादाद में गाड़ियाँ होती हैं और करोड़ों के तादाद में जो है ना वो इज्तिमा में लोग आते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं और बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा रश। जी ये रावी टूल प्लाजा लाहौर में आप मुलाहिज़ा कीजिए, अब देखिए इज्तिमा वालों का रश, बहुत ज़्यादा रश है। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हैं। हम इस वक्त मोटरवे पे हैं, और ये देखें पीछे भी जो गाड़ियां हैं ये सारी इज्तिमा वाली हैं। अल्लाह ताला सबको खैर आफियत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचाए, और हमें भी खैर आफियत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचाए। अल्लाह से उम्मीद है कि आपको ये एक छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।